बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, मेरा नाम देख रहा बनी मैच बॉक्स और अभी हम निगेबानी जा रघुनाथपुर में। रघुनाथपुर के शहीद मैदान हो, शहीद मैदान में जानत नहीं कि क्रिकेट के महाकुंभ हर साल लागेला, एहू साल महाकुंभ की शुरुआत आज 25 दिसंबर से हो रहा बा। आज क्रिसमस भी है और तुलसी पूजन दिवस भी है, ते शुभ दिन पर आज एकर शुरुआत होता। ये शहीद कप जोन बा, ये शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान द्वारा आयोजित बा। विगत 18 साल से लगातार ये आयोजन होता आवल बा और रघुनाथपुर क्षेत्र या आसपास सिवान के आसपास के लोग जोन बा भली भांति जानता कि शहीद कप जोन बा एकर कितना महत्व बटे और इमें दूर दूर से लोग देखे खातिर आवेला। मतलब भीड़ जोन बानू पूरा चारों तरफ होला, घुमा के दिखा दो कि अभी पहला दिन हो और अभी दर्शक जोन बाड़े कुछ कम बाड़े लेकिन मैच के शुरुआत हो चुकल बा। आज बलिया और मोतिहारी की टीम आमने सामने बिया, रउआ साफ देख लें कि बलिया और मोतिहारी की टीम यहाँ पर उतरल बिया। मंच जोन बा मंच सज के तैयार बा, ग्राउंड सज के तैयार बा, टूर्नामेंट जोन बा एकर शुरुआत हो चुकल बा। और अभी रउआ देख लें कि मंच पर जोन बा मंच पर अतिथि सारा पहुंच चुकल बाई लो। बारी बारी से हम सबके उसे बातचीत करें कोशिश करें। फिलहाल अविनाश भाई मानी आ जाइए। अविनाश भाई जोन की शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं, सह अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के मौजूद बनी। अविनाश भाई आज शुरुआत हो रहा बा और काफ़ी भव्य शुरुआत माननीय हमनी के अवध बिहारी चौधरी जी पहुँचल बनी है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष, दू गो विधायक, एगो पूर्व विधायक, स्थानीय विधायक पहुँचल बनी लो। इतना कुछ कितना अच्छा लगा था, मेहनत जब सफल होला आदमी खुशी मिलेगा, रहुआ कैसा महसूस हो? देखिए, इस सब सारा लोग के प्यार दुलार के नतीजा है कितना भव्य आयोजन होता। हम का कहीं, हमारा तो कुछ शब्द नहीं कहे कि हम कुछ कहीं, जितना उत्साहित बानी, खुशी बानी, पूरा टीम बा हमार बा। शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के शुरुआत हम क्रिकेट के में 2008 में कैले रही, जौना के नतीजा कि हमार माननीय विधायक जी रहनी वहाँ के, अवध बिहारी चौधरी जी वहाँ के विधायक के नाते आकर हौसला बढ़े रहनी आ उद्घाटन के लिए रहनी। आज फिर वहाँ के मौका हम बहुत दिन के बाद देख कहल जा सके, तो बहुत दिन के बाद हमने के फिर मतलब ये बनल बा, समय बनल बा कि हमने के आज इतना भव्य आयोजन के उद्घाटन करके और चार चांद वहाँ के लगेनी है। बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी के माहौल बा। और लोग बात देखी, शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान सारा लोग खाती है, सारा समाज के लोग खाती है। पार्टी हम कर सकते नहीं, रुआ कर सकते नहीं, अलग अलग चीज़ बा, लेकिन शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान जो ट्रस्ट है सारा लोग खाती बा, सारा लोग खाती बनल बा, सारा लोग के स्वागत बा शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान में। जी बिल्कुल, आज पहला मैच है, एक बाद मैच के का शेड्यूल? मैच के शेड्यूल बीच में कुछ तैयारी अभी थोड़ा सा अधूरा लगा था, तैयारी के कम्प्लीट करे खातिर, पूरा करे खातिर हम प्रयास दो दिन आ टीम के थोड़ा कम्बिनेशन के वजह से हम एकल डायरेक्ट आज 25 के बाद हम 29 तारीख के शुरू हुई, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी के गैप बा, फिर 2 जनवरी के महिला क्रिकेट टीम आयोजन उत्तर प्रदेश और बिहार के टीम रही, और फिर 3-4 सेमीफाइनल आ 7 जनवरी के भव्य फाइनल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कल जाए। जी बिल्कुल, देख ली कि तैयारी चल रहा बा, हम और भी लोग से बातचीत करें कोशिश करें। फिलहाल अभी देख ली एगो बड़ा अच्छा चीज़ लोकल है, यही नहीं कि टीम के बैठे का तीनों ऊँचा जोन बा स्टेज बनावल गया ताकि टीम जोन बिया दोनों टीम खातिर बनावल बा कि टीम जोन बा हाइट पर रही, आम दर्शक के बीच में ना रही, कोनो प्रकार का सुविधा ना हुई। और हमने यहाँ के लोग के का बोला कि खिलाड़ियन के देखे के बड़ा शौक रहेला, तो खिलाड़ी लोग के देखे में भी लोग हाइट पर रही लो तक दूर से भी लोग दिलो तो जा भीड़ जोन बा उना हुई। चलिए हम अतिथि लोग से बातचीत करे के कोशिश करते नहीं। यहाँ पर हमने के स्थानीय विधायक हरिशंकर यादव जी पहुँचल बनी। विधायक जी, मैच के आज शुरुआत भइल ह आ बड़ा देखत नहीं कि हाथी घोड़ा के साथे हाथी भी स्वागत करत हिया, कैसा लगत आयोजन? अभी खूब बढ़िया लगत है, ये तो हर साल होला, इस साल और बिहार सभा के अध्यक्ष जी पहुँचे में तो का पूछे के बा, बड़ी खुशहाली बा, बड़ी लोग जुटल बा आ खूब खुशी राजी से बहुत अच्छा लग रहा बा। हाँ, एक नंबर के आज मैच देखा था नहीं, कैसा लगा था तो काफी देर से बनी? खूब बढ़िया लगा था, आ देखे में मन नहीं कर जा हटल जा, एकदम ठीक लगा था, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी पहुँचल बानी और यहाँ के पहला जब शुरुआत भेल तब रहुआ आई रहनी 2008 में,
इतना गैप के बाद फिर खाली आइल बनी, कितना कुछ बदलाव लौकत आई आयोजन में, शुरुआतों में देखले रहनी अभियो देखले बनी। सबसे पहले तो जे आयोजक मंडली बा ओकरा के जौन अच्छा व्यवस्था हम देखे तनी, एकरा खातिर आयोजक मंडली के हम अपना तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे रहा बनी। बहुत अच्छा देखे में लागे था, वो बेरी जौन रहे तौना से बेरी बड़ा सौंदर्य बढ़ल बा, अच्छा सौंदर्य बा, हम समझे तनी कि बहुत परिवर्तन बा। बहुत बढ़िया आयोजन होला और आयोजन के देखते हुए लोग हमेशा डिमांड करेला, सबका से कहेला, हम लोगों से कहते नहीं कि वो खेल मैदान इन्हें चाहिए। सरकार के सामने बात के पहुंचा देब हम जी अपना स्तर से, चूँकि हम तो स्पीकर बानी ना मिनिस्टर बानी ना कुछ, लेकिन हम चूँकि स्पीकर बानी यहाँ के विधायक जी बढ़ले बानी तो हम मैंने यहाँ अच्छा आयोजन हो रहा बा क्रिकेट के अब बरसों बरसों से, तो हम जौन बा जौन डिमांड में मांग बा एकरा के जौन खेल कूद मंत्री बड़े जितेंद्र राय उनका तक हम लिखित भेजवा दी। आयोजन देखा था नहीं कि बार दूसरा दूसरा प्रदेश से भी लोग जा आइल बटे, यहाँ बिहार के लड़का खेलते बड़ा सा, यूपी से, हरियाणा से टीम आती है, दिल्ली के भी टीम में जा आइल भी आ, तो सुविधा तो चाहिए नू काहे कि एगो मंच है बन गेल बा, एगो आवास बन गेल बा, तो खेल के सुविधा मिली तब लड़का आगे बढ़िया। सुविधा तो बिहार सरकार इतना ज़्यादा दे रहा भी है कि अभी शिक्षक लोग के बहाली भइल है आ नियम प्रक्रिया बना के अब पूरा देश भर के हर राज्य के शिक्षक लोग कमीशन में बैठ सकता, ओकरा खातिर सहूलियत आ सरकार स्वीकृति दिले सिया जौन परीक्षा भइला बीपीएससी में, ये देश के हर राज्य के लोग शिक्षक खातिर आवेदन दिले रहला, ओकर परीक्षा भी भइला आ ओकर नियुक्ति भइल बा, तो बिहार जौन बा सहूलियत दूसरा राज्य के देवे में कहीं पीछे नहीं लौकत, आ जौन भी लोग आइल बा बाहर से ओकर हम अभिनंदन आ स्वागत करते नहीं, कोनो प्रदेश से बाहर से आइल लोग के आ व्यवस्था तो बढ़िया बा और ही बढ़िया व्यवस्था मिलजुल के कल जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी बनी चचा, रउआ तो माटी या थाती के बात करे वाला लोग हैं, कैसन लगा था आयोजन? तो रउआ लोग के सामने हमने के माननीय अध्यक्ष जी बात कहबे कनी हाँ, माननीय विधायक हरिशंकर यादव के बात रुआ सुनबे कनी हाँ, हमने के पूरा सिवान जिला में एगो फील्ड बाँचल बा जहाँ एक खेल खातिर सहूली, सहूली के अलावा कहीं ऐसा फील्ड नहीं खे कि वहाँ खेला खिलावल जा सकता, एमे काम चलता। बहुत दिन से कृषि फार्म हमने के मांग करता निशान कि खेला खातिर दे दहल जा, लेकिन सरकार हमने के नोटिस ना लेलस, हमने के बात के सुनवाई ना भइल। माननीय अध्यक्ष जी से भी हाथ जोड़ के हम कहते कि संदेश रुआ पहुँचा देव कि हमने के जनता के मांग बा और बहुत अच्छा बा, बहुत खुशी के बात बा, काफ़ी लोग जुटल बा एकरा खातिर। अविनाश जी के टीम के डायरेक्टर के भी हम अपना संगठन के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फील्डवा रही चाहते तब कोनो बड़ नेता के रही लियो के मांग, हमने के फील्ड के मांग उठाव होता नहीं सन लंबा समय से कृषि फार्म के बारे में भी, और जाँच भइल तो सहूली भी आइल कि केवल ये खेला खातिर सहूली के अलावा कहीं हमने के जिला में वैसा फील्ड नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुआ देख ली कि अभी दर्शक से खचाखच यहाँ पर फील्ड भी भरल बा और तमाम लोग बा, हम और भी लोग से बातचीत करे के कोशिश करते नहीं। पहले ही जाने का रिटर्न बिहार अंडर 23 वुमेन्स टीम में हुआ है, जो मुंबई में बिहार की टीम अपना मुकाबला कर रही है, हालांकि बिहार की टीम को सिर्फ देख ही जीत मिली है और यहाँ पर रनआउट का मौका, लेकिन मौका बड़ा है 36 टीम विकेट के नुकसान पर वापस लौटना पड़ा, रन पूरा नहीं हुआ। तो मैं ध्यान रखा जाता हूँ यहाँ पर अंडर 14 बालिका हॉकी, जूनियर हॉकी जिसे कहते हैं, जूनियर हॉकी बिहार टीम में एक ही गांव परिवार की मेरिकॉन स्पोर्ट्स अकेडमी जो रघुनाथपुर दक्षिणांचल के गांधी घनश्याम शुक्ल जी की भेंट थी, 4 जीतियों का चयन हुआ है बिहार टीम में, गर्व का विषय, बहुत बहुत बधाई। और इस गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा से बाहर, शानदार शॉट,
एक स्क्वायर ले गोल देकर हर बंदा मोबाइल छक्का तीन का स्कोर बनता हुआ 135 रन तीन विकेट पर। पंद्रहवा ओवर प्रगति पर है।